हिरासत में लेकर वहां से मुझे उठा दिया। पुलिस के पहरे से नेता लोग ले सकते कि आने वाले समय में जनता के बीच में भी जाएंगे और हर जगह बेरोजगार पूछेगा कि मेरे वादे का क्या हुआ, अपने अनशन तुड़वाया था, उन मांगों का क्या हुआ। आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। राजस्थान में हमें रोक सकते हैं, उत्तर प्रदेश में रोक नहीं पाएंगे। हजारों की संख्या में हम उत्तर प्रदेश जाएंगे जहाँ प्रियंका गांधी जी की रैली होगी और वो विरोध में जाएंगे राज्य सरकार के विरोध। यदि मांगे मानती है तो हम विरोध खत्म कर देंगे, मांगे नहीं मानती आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है। पिछले 17 दिन से यहाँ मापड़ाव जारी है, कई साथियों के डेंगू हो चुका है और जो समझौता हुआ था उनमें मांगे अभी अधूरी है। लिखित में समझौता जो 23 फरवरी का था वो मांगे अधूरी है। प्रयोगशाला सहायक 1534 की सूची जारी होनी है। पीटीआई के पद बढ़ने हैं, 5000 पदों की मांग करें। विशेष शिक्षकों को भी 5000 पदों पर निकालने की मांग कर रहे हैं। वहीं स्कूल व्याख्यातम 600 निवासी पद जोड़ने की मांग कर रहे हैं। पंचायत राज जैन, पंचायत राज LDC, शिक्षा विभाग में नहीं भर्तियाँ, चिकित्सा विभाग में नहीं भर्तियाँ, अध्यादेश लाना, बेरोजगार मुकदमे दर्ज वापस लेना, तमाम 21 सूत्री मांगों में अभी कुछ मांगे अधूरी हैं। उन मांगों को लेकर लगातार 17 दिन से हमारा मापड़ाव जारी है और संघर्ष जारी है। 6 दिन अनशन हुआ था, तब आपको महसूस ने अनशन तोड़वाया था, वादा किया था? उन्होंने वादा किया था कि आपकी मुलाकात करके आपकी समस्याओं का निस्तारण करवाया जाएगा, लेकिन जब हमारा उनका वादा पूरा होता नहीं दिखा तो आज मैं उनके घर पर पहुँचा था। वहाँ मैं कुछ देर बैठा लेकिन पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लेकर जबरदस्ती मुझे वहाँ से उठा दिया। ना मेरे हौसले टूटे हैं, ना मेरे इरादे कमजोर हुए हैं। आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, मैं सम्मान करता हूं सरकार का, मुख्यमंत्री जी का भी, लेकिन जहां अधिकारों की बात आएगी मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जान दे दूं। लेकिन यह आंदोलन उग्र की तरफ जा रहा है, इस आगे हम कुछ भी कदम उठा सकते हैं। यदि कुछ बिगड़ता है, कुछ अनहोनी होती है तो उसकी सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि अब हमारी मजबूरी होगी। 17 दिन से हम बैठे हुए हैं लेकिन हमारी मांगों की अनसुनी की जा रही है। हमारी जो लिखित में समझौता वो मांगे पूरी नहीं की जा रही, इसलिए बेरोजगार हम आक्रोश है। आर पार की लड़ाई का 4 दिन बाद दिवाली है, लोग यहीं रहेंगे दिवाली यहीं बनाएंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश कुछ करेंगे।